नमस्कार, आसन नंबर 17 जहाँ पर सीखने वाले हैं नटराज आसन। नटराज आसन का जो अर्थ समझे तो नट यानी कि नृत्य, राज यानी कि राजा और आसन यानी कि मुद्रा। ये भगवान शिव का नर्तक रूप माना गया है और भगवान शिव का एक नाम भी है नटराज। तो इस तरह ये आसन डांसर पोज है, इसको इंग्लिश में किंग डांसर पोज कहा जाता है। ये शरीर में बैक बेंडिंग, बैलेंसिंग, शोल्डर ओपनिंग, हिप ओपनिंग करता है। इस आसन से शारीरिक एवं मानसिक संतुलन बनता है, आपकी मानसिक एकाग्रता में वृद्धि होती है, कंसंट्रेशन पावर, फोकस, मेमोरी, इन सब में भी ये बढ़ावा लाता है और ये सब इम्प्रूव होता है। इससे हमारा शरीर का जो पोस्चर है वो ठीक होता है, पैरों की जितने भी मसल्स है वो स्ट्रांग बनते हैं, ये शोल्डर के जो मसल्स है उसमें अच्छा स्ट्रेचिंग देता है, स्पाइन में स्ट्रेचिंग देता है, उसकी फ्लेक्सिबिलिटी को भी इम्प्रूव करता है। ये हमारे पाचन तंत्र को सुधारता है, मेटाबॉलिज्म को इम्प्रूव करता है और इस तरह से ये वेट लॉस की जर्नी में भी मदद करता है। तो ये सारे इस आसन के फायदे हैं। तो इस आसन को करने से पहले आपको वार्म अप के तौर पर कुछ आसन ज़रूर करने हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको बैलेंस भी बनाना है और साथ में बैक बेंडिंग भी करना है। तो वार्म अप के तौर पे आप देखें तो वृक्षासन कर सकते हैं या अंजनी आसन कर सकते हैं और अर्धचक्रासन कर सकते हैं, ताड़ासन कर सकते हैं। ऐसे कुछ आसनों का पहले अभ्यास कीजिए, उसी के बाद आपको ये आसन करना है और कुछ सावधानियों को भी बरतना है। तो योग की सामान्य सूचनाओं को ध्यान में रखें, उसके साथ साथ जिसको भी हाई बीपी है या तो हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम है, चक्कर आने की समस्या है, उन लोगों को ये आसन नहीं करना है। जिसको भी अपने नी है या शोल्डर है, स्पाइंस है, इन सब के रिलेटेड कोई भी सर्जरी करवाई है या तो इंजरी हुई है, तब आपको इस आसन का अभ्यास नहीं करना है। और लेडीज़ को प्रेगनेंसी और पीरियड्स के दौरान ये आसन नहीं करना चाहिए। तो चलिए अब ये आसन करना कैसे है ये देख लेते हैं। अब ये आसन करने के लिए हम ताड़ासन की पोजीशन में खड़े हैं। अब यहाँ से किसी भी एक पैर को हम आगे ले जाएंगे। जो पैर हमने आगे रखा है उसका पंजा जो है वो एकदम 90 डिग्री रखना है आपको, और पैर के जो भी मसल्स है उसको एकदम एक्टिवेट रखने हैं, जिससे वो पैर जो है उसके ऊपर आप अच्छे से बैलेंस कर सकें, इस बात को ध्यान में रखिए। दूसरा ध्यान ये रखना है कि आपका जो पेल्विक का पोस्चर है उसको एकदम ही सामने की ओर रखना है। आपका पेल्विक है, चेस्ट है, आपका पैर का पंजा है, फेस है, ये सब एक लाइन में रहना चाहिए। इसको आपको पेल्विक को ज़्यादा राइट या तो लेफ्ट साइड नहीं करना है। ख़ास तौर पे जब हम लेग ऊपर की ओर उठाते हैं तब ये पेल्विक का पोस्चर राइट या तो लेफ्ट हो जाता है। तो यहाँ पर हमें ध्यान रखना है कि आपका जो पेल्विक है वो एकदम सामने की ओर रहे और कोर को एंगेज रखना है, इस बात को ध्यान में रखेंगे। और जब हम बेंडिंग करते हैं तो आपको अपनी लोअर बैक के ऊपर ज़्यादा प्रेशर नहीं देना है, आपको अपनी अपर बैक को, चेस्ट को ओपन करना है, शोल्डर को ओपन करना है, इस बात को ध्यान में रखें। अब यहाँ पर सांसों की जो गति है वो एकदम ही नॉर्मल होनी चाहिए। लंबी और गहरी सांसें लेनी है और लंबी और गहरी सांसें छोड़ती रहनी है। देखिए अब करना कैसे है कि यहाँ हम लंबी गहरी सांस को भरेंगे, आगे वाले पैर के ऊपर पूरा ही बैलेंस बनाएंगे, फिर धीरे से पीछे वाले पैर के, आप चाहे तो एंकल पकड़ सकते हैं, अंगूठा पकड़ सकते हैं या तो पैर का पूरा पंजा भी पकड़ सकते हैं। एक बार आपका हल्का सा बैलेंस बन जाए फिर पीछे वाला पैर जो है वो जितना आप पीछे की ओर ले जाते हैं तो आपका चेस्ट जो है वो ओपन होना चाहिए, शोल्डर ओपन होना चाहिए और बॉडी, अपर बॉडी जो है हमारा कमर के ऊपर का जो बॉडी है उसको हल्का सा आगे की ओर झुकाना है, देखिए इस तरह से। और पीछे पैर को जितना आप ऊपर की ओर उठा सकते हैं उतना ऊपर की ओर उठाते जाए, और एक हाथ को हम आगे की ओर, ऐसे हाथ की चाहे तो आप मुद्रा बना सकते हैं, हथेली को ऐसे ज़मीन की साइड भी रख सकते हैं या तो आकाश की ओर भी रख सकते हैं। अब पीछे जितना पैर ऊपर की ओर उठेगा आगे आपका बॉडी उतना ही नीचे की ओर झुकता जाएगा, देखिए कुछ इस तरह से। तो आप अपनी कैपेसिटी के हिसाब से अपने पैर को ऊपर की ओर स्ट्रेच करा सकते हैं और होल्ड कर सकते हैं, और ठीक उसी तरीके से आपको दूसरी साइड करना है। देखिए पैर के पंजे को अच्छे से नीचे जमाएंगे, सांस को भरेंगे और सांस को छोड़ते हुए पैर को लिफ्ट करेंगे, शोल्डर को ओपन करेंगे, चेस्ट को ओपन करेंगे, पीछे वाला पैर पीछे जितना जाता जाएगा अपना शोल्डर, चेस्ट इतना ही ओपन होता जाएगा और बॉडी थोड़ा सा आगे की ओर झुकेगा।
नॉर्मल ब्रीथिंग करते हुए स्माइल करते हुए इस पोज को होल्ड कीजिए और अपनी क्षमता के अनुसार रुकना है और फिर इस आसन को रिलीज करना है। शुरुआत में आप 10 सेकंड या 20 सेकंड तक होल्ड कीजिए, धीरे धीरे से आप इस टाइमिंग को बढ़ाते जाए। और अगर आपसे इस तरीके से ये पोज बैलेंस नहीं हो पाता है तो इसको आप दीवार के सपोर्ट से भी कर सकते हैं। वो कैसे करना है ये देख लेते हैं। अब वॉल के सपोर्ट से जब हम ये आसन करते हैं तो आपको जो पैर नीचे रखना है उधर की साइड का बॉडी वॉल के साइड रखना है। अब यहाँ पर हमारे पैर और वॉल के बीच का जो डिस्टेंस है वो करीबन 4 से 5 इंच जितना होना चाहिए। तो इतना डिस्टेंस वॉल से अपनी बॉडी का रख लीजिए। अब सांस को भरेंगे, नीचे जो पैर का पंजा है उसको पूरी तरीके से सीधा रखेंगे और फिर पीछे वाले पैर को ऐसे लिफ्ट करते जाएँ और हाथ को ऊपर की ओर उठाएं। देखिए ये बहुत ही आसान हो जाता है इस आसन को करने का तरीका, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। तो दोस्तों आप चाहे तो शुरुआत एक वॉल के सपोर्ट के साथ करके भी इस आसन को कर सकते हैं और उसके बाद धीरे धीरे से वॉल के सपोर्ट को छोड़ते जाए और फिर बिना वॉल के सपोर्ट से भी इस आसन को कर सकते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलूंगी एक नए आसन की वीडियो के साथ। और अगर अभी तक आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें जिससे आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहे। धन्यवाद।